अंबाला शहर में सुबह सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अंबाला शहर के खतौली मोड़ पर अंबाला की तरफ से जा रहे बाइक सवार और पंजोखरा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। 54 वर्षीय मृतक बलविंदर अपने भतीजे के साथ जा रहा था। भतीजे को सिविल हॉस्पिटल उपचार के लिए ले जाया गया है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे तो सड़क किनारे ही बैठकर रोने लगे। बलविंदर, जो कि किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा तो किसी का बाप लगता था, वो अब जा चुका था। तस्वीरों में देखते ही साफ पता चल रहा है कि ये मौत का मंजर कितना दुखदाई है। सड़क पर कहीं बलविंदर की चप्पल तो कहीं चकनाचूर हुआ हेलमेट दिखाई दे रहा है। हालांकि बाइक तक ट्रक के नीचे आने से चकनाचूर हो गई है। मंजर कुछ यूं था कि आखिरी बार परिजन बलविंदर को गले तक नहीं लगा सके, क्योंकि बॉडी की हालत ऐसी हो चुकी थी कि कोई छू भी नहीं सकता था। हालांकि जैसे तैसे करके पुलिस कर्मियों ने बॉडी को सिविल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि खतौली रोड पर बाइक और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हुई है, जिसकी वजह से बाइक सवार की मौत हो गई और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस बयान दर्ज कर मामले की जांच करेगी। हमें सूचना मिली थी कि खतौली मोड़ पे एक टिप्पर कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे जो एक मृत हो गया है उसको हमने मोर्चे में पहुंचा दिया है और अभी कार्रवाई चल रही है, जान लेकर के जैसे भी हो कार्रवाई कर। ये ईस्ट दुर्गा नगर का पता लगा है अम्बाला, ये अम्बाला शहर से पंजोखरा की तरफ जा रहे थे और ये जो टिप्पर है ये टिप्पर पंजोखरा की तरफ से अम्बाला शहर की तरफ जा रहा था। सर किस तरह एक्सीडेंट हुआ कोई जानकारी मिली? बस ये जो बताया हमारे को उस पर पता लगा भी आमने सामने से टक्कर हुई है। ट्रक ड्राइवर सर? ट्रक ड्राइवर फिलहाल मौके से फरार है, तलाश जारी है। सर कितने लोग बाइक पर थे कोई जानकारी? जानकारी के मुताबिक जो मिली है उसमें दो जानकार थे बाइक पे। हमारा पुराना फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज हैक हो गया है, लिहाजा हमने नया फेसबुक पेज बनाया है। कृपया फेसबुक पर खबरें देखने के लिए हमारा नया पेज लाइक और फॉलो करें।